अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा भाई, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को SN रिएक्शंस भी कह देते हैं। इसकी जनरल एग्जांपल ये हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं कि जिसमें एक सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सबस्ट्रेट से जो लीविंग ग्रुप जो है वो निकलेगा, उसकी जगह ये न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह ले लेगा और जितना ये कार्बन हैलोजन बाउंड या कार्बन या हैलोजन की जगह कोई और भी ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकता है, लेकिन जनरली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को इन जनरल वैसे एग्जांपल के तौर पे जो सब्स्ट्रेट है मोस्टली अल्काइल हैलाइड्स ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है अल्काइल हैलाइड्स की तरह का। अच्छा, इसमें जो है एक्स जो है ये लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग ग्रुप है, और जितना ये सी एक्स बॉन्ड कार्बन हैलोजन बॉन्ड जितना ज़्यादा वीक होगा इस रिएक्शन की रफ्तार उतनी ही ज़्यादा तेज़ होगी। तो जैसे ही ये लिक्विफाइल सबस्ट्रेट के पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, लिक्विफाइल कार्बन पर बॉन्ड बना लेगा, लेकिन जो पहला बॉन्ड बना हुआ है कार्बन हैलोजन का या लिविंग ग्रुप का वो ब्रेक हो जाएगा और लिविंग ग्रुप अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ से निकल जाएगा और जो लिविंग ग्रुप यहाँ से निकला वहाँ पर लिक्विफाइल अटैच हो जाएगा। अच्छा जी, ऑन दी SN रिएक्शन जो है, SN रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स ऑन दी बेसिस ऑफ काइनेटिक स्टडीज, यानी रेट ऑफ रिएक्शंस के मतालिया के लिहाज से SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की दो बड़ी एग्जाम है, एक है SN2 रिएक्शंस और दूसरा SN1 रिएक्शन। SN2 ये एब्रिवेशन है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हम इन रिएक्शंस को बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहले आप लेते हैं जी SN2 रिएक्शंस। अच्छा, SN2 रिएक्शन जो है ये रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज हैं कि ये रिएक्शन जो है वो ज़्यादातर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन देते हैं और ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा, यानी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और एक ही स्टेप में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसमें जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये सबस्ट्रेट है, ये अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, जिस तरफ लिविंग ग्रुप है यहाँ पर राइट साइड पे लिविंग ग्रुप है इस मॉलिक्यूल के सबस्ट्रेट के, तो जिस तरफ लिविंग ग्रुप होगा, जिस तरफ लिविंग ग्रुप मौजूद होगा उस साइड को कहेंगे, यहाँ पे ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, उस साइड को फ्रंट साइड कहेंगे और दूसरी साइड जो है जहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये इसकी बैक साइड होगी। अच्छा जी, बैक साइड अटैक का मतलब ये है कि SN2 रिएक्शन में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो मॉलिक्यूल सब्सट्रेट के बैक साइड से अटैक करेगा। फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फ्रंट साइड पे जो है वो लिविंग ग्रुप है, पार्शियल नेगेटिव है और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और जो लिविंग ग्रुप है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, इसलिए ये फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम बैक साइड। अच्छा जी, जैसे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा और जो टाइप अप्रोच करने की कोशिश करेगा, फौरन ही जो है वो SP3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो SP2 हाइब्रिडाइजेशन में तब्दील हो जाएगी ताकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को अनफ रूम मिल सके, जगह मिल सके, स्पेस मिल सके, ताकि इस कार्बन को अप्रोच कर सके। इस ज्योमेट्री में, इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में SP3 हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन में मौजूद है उसके उस पर अगर ज्योमेट्री हो तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के रास्ते में ये हाइड्रोजन एटम आएगा जो हिंडर करेगा अप्रोच को, इस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के इस कार्बन के अप्रोच को हिंडर करेगा, रुकावट पैदा करेगा। तो इस हिंड्रेंस को ख़त्म करने के लिए या इस हिंड्रेंस से बचने के लिए जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में तब्दील हो जाएगी, SP3 हाइब्रिडाइजेशन SP2 में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि कार्बन सेंट्रल कार्बन के साथ चार सिग्मा बॉन्ड्स मुकम्मल तौर पे नहीं रहेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे तो ज्योमेट्री SP2 हो जाएगी। अच्छा जी, अटैक
जो है सिंगल स्टेप प्रोसेस है, मतलब बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड फॉर्मेशन, दरम्यान में ये इंटरमीडिएट स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, और ट्रांजिशन स्टेट जो है ये रिएक्शन के दरम्यान में एग्जिस्ट करती है, और ये वाली स्टेट, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको रिएक्शन मिक्सचर से हम आइसोलेट नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये डॉटर लाइंस का मतलब ये है कि OH और कार्बन के दरम्यान बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, और कार्बन और लिविंग ग्रुप हैलोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो यानी इस SN2 रिएक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो स्टीरियो केमिकल जो उसकी स्टडी है वो ये है कि 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस होगी। यानी जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो स्पेस अरेंजमेंट है, लीविंग ग्रुप राइट साइड से लीव किया है, लेकिन जो रेटिनोन्यूक्लियोफाइल आया है उसकी जगह वो लेफ्ट साइड पे आया है। ये तो इन्वर्ट का मतलब होना उल्ट जाना, स्टीरियो स्पेस अरेंजमेंट जो है वो 100% जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 100% होगी। कोई भी मालिक ऐसा नहीं होगा प्रोडक्ट में जिसमें ये OH जो है वो राइट साइड पे लगा हुआ बस स्पेस में। अच्छा जी, इसकी प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है प्राइमरी एल्काइल हाइड, ये रिएक्शन प्राइमरी एल्काइल हाइड देते हैं, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, रिएक्शन एक स्टेप में होगा, बैक साइड अटैक है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी क्योंकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन, चूंकि रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है, रिएक्शन अगर एक ही स्टेप में होगा तो उसके जो रिएक्टेंट्स होंगे मॉलिक्यूल्स वही रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसको क्वालिटी में कन्वर्ट करें तो कॉन्स्टेंट के आएगा, रेट कॉन्स्टेंट के आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इसका, इसकी एक्सपोनेंट 1 और सबस्ट्रेट इसकी एक्सपोनेंट 1, आपने रेट इक्वेशंस में ये पढ़ा होगा कि कोएफिशिएंट जो है वो एक्सपोनेंट्स बन जाते हैं रेट इक्वेशन। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशंस हैं उनकी जो एक्सपोनेंट्स होंगी उनका जो सम होगा 1+1 दैट इज 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब 2 है। इसलिए इस रिएक्शन की रफ्तार को, इस रिएक्शन की काइनेटिक को, इस रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स कंट्रोल करते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, तो इसी वजह से इसको जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो वो कह देते हैं। अच्छा जी, SN2 रिएक्शन जो है कि इसमें एक तो इसकी काइनेटिक स्टडी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, दूसरा ये है कि इसका एक और एविडेंस भी है SN2 रिएक्शन का, दैट इज स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, वो यही है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोडक्ट बनता है उसमें 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसको पहले वाल्डन इन्वर्जन भी कहा जाता था, SN2 रिएक्शंस की जो इन्वर्जन है उसको वाल्डन इन्वर्जन भी कहा जाता है। अजी नेक्स्ट है जी हमारा दूसरी टाइप SN1 रिएक्शन। देखिए SN1 रिएक्शन जो है ये मोस्टली टर्शियरी एल्काइल हाइड ये रिएक्शन देते हैं SN1 रिएक्शंस, या इस तरह के कोई भी जो है वो सब्सट्रेट से रिएक्शन दे सकते हैं जिनके साथ सेंट्रल एटम के साथ बल्कि बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। तो मोस्टली एल्काइल हाइड्स में ये टर्शियरी एल्काइल हाइड ये रिएक्शन देते हैं। ये वाला रिएक्शन जो है SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होगा, 2-स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि जो सब्सट्रेट का मॉलिक्यूल है उसमें लीव आयोनाइज होगा पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और लीविंग ग्रुप जो है वो पहले स्टेप में लीव करेगा। SN2 में ये होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकेज एक ही वक्त में होती है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा, यानी लीविंग ग्रुप पहले स्टेप में लीव कर देगा विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये कार्बो कैटायन बन जाएगा, दैट इज टर्शियरी कार्बो कैटायन। द फर्स्ट स्टेप विल बी द स्लो स्टेप आयनाइजेशन स्टेप इन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, सेकंड स्टेप जो है दैट विल बी दैट इन दैट स्टेप द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द टर्शियरी कार्बोकैटायन। इसमें ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल टर्शियरी कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस तरफ से अटैक करेगा, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है क्योंकि लीविंग ग्रुप तो लीव कर गया, अब इस टर्शियरी कार्बोकैटायन की कोई बैक और फ्रंट साइड नहीं है, जिसके लिहाज से, लिविंग ग्रुप के लिहाज से, पार्शियल नेगेटिव ग्रुप के लिहाज से इसकी जो है वो फ्रंट और बैक साइड्स का तय किया जाता है, वो तो नहीं है, वो तो पहले स्टेप में लीव कर गया।
अब यह है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो बैक साइड से भी अटैक करने के इक्वल चांसेस है, फ्रंट साइड यानी राइट साइड से भी अटैक करने के इक्वल चांसेस हैं, और राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, दोनों तरफ से चांसेस हो सकते हैं, बराबर चांसेस हैं कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये जो सेकंड स्टेप है ये फास्ट है, फास्ट स्टेप है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 50% प्रोडक्ट जो है उसमें कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करेगी, यानी जो पहले थी यानी जिसमें नेगेटिव ग्रुप जो है वो राइट साइड पे है, ये नेगेटिव ग्रुप राइट साइड पे है, नेगेटिव ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। 50% प्रोडक्ट कन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का होगा, 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का होगा। अच्छा जी, इसकी प्रॉपर्टीज जैसा कि इस एग्जाम्पल में दोनों स्ट्रक्चर में प्रॉपर्टीज हम सारी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिएक्शन मोस्टली टर्शियरी कैल्हर्ड के रिएक्शन देते हैं, टू स्टेप में हैं, फर्स्ट स्टेप विल बी स्लो एंड हैविंग एंड लीविंग ग्रुप विल लीव इन द फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप विल बी फास्ट एंड न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इन द सेकंड स्टेप। और आपने फर्स्ट ईयर में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है या फिजिकल में पढ़ा हुआ है कि अगर रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में होगा उसमें जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमिनेंट स्टेप होगा। इसमें जो फर्स्ट स्टेप था वो स्लो स्टेप है और उसका जो रिएक्टेंट है वो सबस्ट्रेट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट स्टेप के रिएक्टेंट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और उसका कोफिशिएंट जो है वो फर्स्ट स्टेप के सबस्ट्रेट का 1 है, तो इसका फिर जो पावर एक्सपोनेंट है वो भी 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैल्यू 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होने की वजह से इस रिएक्शन की रफ्तार को सिर्फ जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ही कंट्रोल करती है, एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कंट्रोल करती है, तो इस वजह से उसको कह दिया जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी रिएक्शन की रफ्तार को सिर्फ रिएक्टेंट सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल कंट्रोल करता है, तो इस वजह से इसको कह दिया जाता है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने स्टडी किया कि SN2 और SN1 रिएक्शंस क्या होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।